नजर करिए विगतवार समाचार पर। तो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की सिक्योरिटी वधी, महाराष्ट्र सरकारे शाहरुख खान की सिक्योरिटी वधारी। हवे शाहरुख खान ने वाई प्लस सिक्योरिटी मळशे। शाहरुख ने जान थी मारी नाखवानी धमकी मळ्या बाद सुरक्षा में वधारो करवामां आव्यो छे। शाहरुख खान ने छेल्ला एक वर्ष थी धमकी मळती हती। शाहरुख खान हाल विदेश प्रवासे छे। अभिनेता शाहरुख खान की बे हिट फिल्मों जवान अने पठाण बाद खतरा ने ध्यान में राखीने वाई प्लस सुरक्षा आपवामां आवी छे। शाहरुख खान ने तेना अंगरक्षक तरीके 6 पोलीस कमांडो हमेशा मळशे। तेमने महाराष्ट्र पोलीस की सुरक्षा हेठळ ज तैनात करवामां आवशे। तेमने समग्र भारत में सुरक्षा पूरी पाडवामां आवशे अने तेओ MP5 मशीन गन, AK-47 एसोल्ट राइफल्स अने ग्लॉक पिस्तोल थी सज्ज हशे। तेना घरे 4 पोलीस कर्मीओ पण सतत तैनात रहेशे। तो अपनी साथ संवाददाता अंकुर त्यागी जोड़ाया है। अंकुर, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्या अपडेट्स है? इस प्रकार के कुछ स्पेसिफिक थ्रेट हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि क्या वो थ्रेट हैं, कौन सा ये गैंग है या गैंगस्टर ग्रुप है या क्या ये चीज है, ये अब तक वेयर अबाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ सर्टन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जरूर मिली है एजेंसीज को, जिसके आधार पे ये माना गया कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। और यही बात को देखते हुए मुंबई पुलिस ने जो उनकी सिक्योरिटी है उसको वाई प्लस कैटेगरी कर दिया है। वाई प्लस कैटेगरी का मतलब होता है अब जो 6 पर्सनल होंगे जो सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे और 5 जो ऑफिसर होंगे वो वेपन्स के साथ होंगे, जो 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे। और लगातार जो उनकी फिल्में हिट हुई हैं अभी, चाहे वो पठान हो या जवान हो, और उसके बाद जिस तरीके का रेस्पॉन्स आया है उसको देखते हुए ये जरूर माना जा रहा है। पहले इससे पहले उनके सिक्योरिटी में 2 पुलिस वाले जरूर रहा करते थे, लेकिन अब एक स्पेसिफिक जो एक सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए उनकी सिक्योरिटी को वाई प्लस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। जी जी अंकुर, माहिती के लिए धन्यवाद। तो शाहरुख खान ने सिक्योरिटी वधारी देवामां आवी छे। शाहरुख खान ने पाछला एक वर्ष थी धमकी मळती हती। महाराष्ट्र सरकारे शाहरुख खान ने वाई प्लस सिक्योरिटी आपी छे।